हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून सभी लोग का स्वागत है कैसे हो आप सब लोग गुड इवनिंग जी प्रजापति चलिए जी सेशन को स्टार्ट करने से पहले जय हो बद्री विशाल और एस एस 2023 जय दो फाउंडेशन बैच में कल भी ऑफ रहेगा भाई कल 26 जनवरी को कल हमारे जो 26 जनवरी को कई सारे ऑफर्स रहे मतलब कई सारे कोर्सेज में है हमारा ऑफ रहेगा तो आप जो है अपनी जिस भी अपकमिंग जो भी एग्जाम आपका जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स में आप कर सकते हैं और बढ़िया से पढ़ के जाए और फायदा भी लें कल ऑफ का जैसे कि आर आरबी जेई हो गया या एस एस सी जेई का हो गया दो हजार तेईस वाला इन सभी कोर्सेज में खूब भारी भरकम तरीके से जो है ऑफ है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहला क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का आई एस कोड टू एट्टी सेवन आई एस कोड टू एटी सेवन है आई एस कोड एटी टू एटी सेवन कोड का ध्यान रखिएगा आई एस कोड टू एटी सेवन ठीक है हाँ जवाब करो चलो अब सही है वाज में आके ठीक है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों सर्कल क्लास नहीं होगी कल क्लास होगी क्यों नहीं होगी कल भी क्लासेस होंगी सब प्रैक्टिस के लिए पेड कोर्स ले लें लेके ऐसे अरे प्रैक्टिस कोर्स थोड़ी है ये तो फ्री में है फ्री में आपको इतने बेहतरीन प्रैक्टिस करवाते हैं तीन बजे की क्लास फ्री 6 बजे की क्लास फ्री फालतू तो में इतना तो जबरदस्ती जो है पैसे को बहा रहे हो अच्छी जगह लगाओ आईएस एस आईएस आई वो थ्योरी के, के लिए है आर आर थ्योरी क्लास फाउंडेशन कोर्स थ्योरी क्लास आर आर सभी थ्योरी के लिए है रिकमेंडेशन फॉर द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इसके रिगार्डिंग इस कोर्सेज के रिगार्डिंग जो भी हमारे कल ऑफ रहेंगे वो मैं सेवन पी पर आज ही शाम सात बजे एक सेशन रखा हूँ तो आप उसमें मेरे सेशन में रहें जो आप करेंगे आप सब लोग पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोड होते हैं उनकी जानकारी तो हंड्रेड परसेंटली होना चाहिए जैसे कि आपका टू सेवन जो है वो है रिकमेंडेशन फॉर द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर द टिम्बर में जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए जो रिकमेंडेशन देता है कि कितना रहना चाहिए तो वो जो है दोस्तों आपका जैसा आप सुनते हो ना कि भाई डोर उसमें बारह परसेंट से लगभग इतना रहना चाहिए तो ये जो रिकमेंड करता है ये आपका एक कोड करता है 287 वाला कोड में जो मॉइस्चर का मतलब मतलब सीजनिंग कितने ले लास्ट लिमिट तक करना है शैप मतलब है ना ध्यान रखना चलो कुछ कोड के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जैसे कि आई एस कोड चार सौ छप्पन दो हजार जिसको आप कहते हैं पीसीसी या सीमेंट कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट का कोड है ये बात ध्यान रखिएगा और जब हम बात करते हैं आई एस कोड एट हंड्रेड दो हजार सात ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्टील स्ट्रक्चर का कोड है और जब बात करते हैं आई एस कोड तेरह सौ तैतालीस इंपॉर्टेंट टेबल है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई बालक अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं कोई बालक मेंस दे रहे हैं ये कई दफा आपके जो है इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और अगर अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही भाई ठीक है इसलिए ध्यान रहेंगे कहानी को ठीक है चलेगा ठीक है तो दोस्तों तेरह सौ तैतालीस उन्नीस सौ अस्सी है तो कोड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दी प्रिस्ट्रस्ट ध्यान रखिएगा तेरह सो तैतालीस से प्रैक्टिस फॉर प्रिस्ट्रस्ट अगर आपसे बोला जाए कि प्रिस्ट्रस कॉन्क्रीट डिजाइन का कोड कौन सा है तो तेरह सौ तैतालीस तीन सौ तेरासी दोस्तों कोर्स और फाइन एग्रीगेट फॉर द कॉन्क्रीट स्पेसिफिकेशन कोर्स और फाइन एग्रीगेट जो कॉन्क्रीट में जो यूज करते हैं उसके स्पेसिफिकेशन को देता है कोड जो है दोस्तों ये आपका लोडिंग के लिए होता है इसके अलग 875, पार्ट वन लोड का, लोड के लिए पार्ट वो पार्ट फाइव है तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी आई एस कोड एटीन नाइन थ्री दोस्तों अर्थक्वेक की बात हो रही है अर्थक्वेक रजिस्ट्रिंग जो डिजाइन करते हैं बिल्डिंग बनाते हैं ये हमारा आई एस कोड वन एट नाइन थ्री चलता है दो हजार दो का रिविजन है आई एस कोड दस हजार दो सो बासठ वन जीरो हजार नौ का गाइडलाइन देखिएगा कोड ये होता है ये तुम्हारा जैसे 2000 लिखा ना इसका मतलब होता है कि हुआ लास्ट है है ये मॉडिफाइड है. ठीक है समझ रहे बात को दिख तो रहा है ना आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है दिख रहा है ना चलिए नेक्स्ट आपके पास दो सौ उनसर या टू सिक्स नाइन जो है दोस्तों ये गया है आपका किसके लिए स्पेसिफिकेशन फॉर था तैतीस ग्रेड ध्यान रखिएगा दस हजार दो सौ बाईस दो सौ जो है गाइडलाइन है थर्टी थ्री ये थ्री का है OPC का आठ मतलब एक सौ बारह यह फोर्टी थ्री ग्रेड के लिए ओपीसी का तीन ग्रेड होते हैं ना बारह हजार दो सौ या वन डबल टू सिक्स नाइन दो हजार तेरह के रिविजन है ये कब के हैं दोस्तों 53 ग्रेड के लिए ओपीसी और आप बात करेंगे 1237 तो 1237 जो है वो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल के लिए है सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल के लिए और 893 जो है क्राइटेरिया फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है ध्यान रखना है इतनी चीजें चलिए जी ये 18 1893 है दोस्तों सही कर देना क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर ये सेम है ठीक है ना ये वाला ये वाला सेम अलग नहीं है सही कर देना उसको ठीक है तो हमारे पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपने पढ़ा तो इसका मतलब आप मैक्सिमम मैक्सिम कंटेंट फॉर दिट आपका ये है पढ़ लिया आपने रिमूवल ऑफ पेंट और इज चलो क्या होता है ये कह रहा है कि आपका एमकेएस यूनिट या मात्रक बताइएगा मेजरमेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ पेंट और वार्निश ऑफ द बिल्डिंग चलो जवाब करो क्लास को शेयर जरूर कर दें क्या नंबर में करते हो क्या क्यूबिक मीटर में करते हो या मीटर में करते हो नहीं ये किया जाता है आपका मीटर स्क्वायर में ध्यान रखिएगा स्क्वायर मीटर

इज़ ऑलवेज़ जीरो और एक्सलेशन का मतलब होता है वेलोसिटी पर टाइम तो आपको याद आना चाहिए याद आना चाहिए कौन सी बात याद आनी चाहिए आपको कौन सी बात फ्लूड एक्सलेशन ऑफ फ्लूड फ्लो इज ऑलवेज जीरो दिस इज़ व्हाट थोड़ा सा दिमाग लगाना

वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस के हिसाब से भी नहीं मतलब कि स्पेस के हिसाब से भी नहीं होगा तो यहां पर बी ऑप्शन सही है भाई अब दिमाग जो लगाओगे नॉन यूनिफॉर्म तो वैसे भी नहीं बोल सकते ना बी ऑप्शन के करीब है मतलब बी ऑप्शन होगा विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजिनियस ट्री और दोस्तों मैं कई दफा आपको ट्री को दो प्रकार में डाल चुका हूँ ट्री जो होते हैं आपके दो प्रकार में होते हैं एक होता है एंडोजिनस और एक्स होता है एक्जोजनस इधर लिख रहा हूं एंडोजिनस ट्री, ट्री हैं जिनके ग्रेन इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं इनकी लंबाई खूब होती है इसको इंजीनियरिंग वर्क में बहुत ही लिमिटेड यूज है बहुत कम यूज है देखिए दूसरा ट्री जो होता है एक्जोजिनस ट्री एगजोजिनस ट्री इसका इंजीनियरिंग वर्क में बहुत ज्यादा यूज है इसके ग्रेन जो है बाहर की डायरेक्शन में यूज करता है

वो बोल सकते हैं आप पाम बोल सकते हैं पी ए एल एम ताड़ का पेड़ या कैन बोल सकते हैं सी ए एन ई कैन ईख का पेड़ तो ये दोस्तों इसके हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं बम्बू दिस इज एन एंडोजिनस ट्री और एंडोजिनस ट्री की खासियत है इसके जो ग्रीन हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगे और इनकी लंबाई खूब ज्यादा होगी साथ ही साथ इनमें आप एक चीज और देखोगे कि बहुत ही कम यूज है बहुत ही लिमिटेड यूज है अपने सिविल इंजीनियरिंग वर्क में जैसे कि इसको यूज किया जाता है ज्यादा ज्यादा स्कैप फोल्डिंग के लिए किसी टेम्पररी स्ट्रक्चर में जैसे कि कोई मजदूर जो है जिसको डेढ़ मीटर की हाइट से ऊपर के लिए मतलब वाइट वॉशिंग करना है या प्लास्टरिंग करना है तो डेढ़ मीटर की ऊपर की हाइट के लिए स्कैप फोल्डिंग जो यूज करते हैं तो इन बलियों की मदद से उनको बांध लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा आप देख पा रहे हैं बांस के जंगल और बांस का पेड़ ंग दर्टिकल एक्सकेवे इन दॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले दीटर इफ दूनिट वेट ऑफ दूटी क्यूब व कोशन ऑफ द सॉइल बिल्कुल सही जवाब है जी जवाब करेंगे जरा आंसर क्या पूछा गया है अब कई लोग यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है गलत ना करें वाइल वर्टिकल एक्सन दोस्तों के लिए, नहीं, नहीं, आपको वैल्यू चाहिए है C का, C का मान चाहिए दोस्तों सबसे पहले बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए नहीं तो नहीं हो पाएगा फॉर्मूला पता होना चाहिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको मिलता है इस क्वेश्चन के लिए पांच सौ का इनाम अगर किसी ने भी सही जवाब किया है तो सही जवाब करोगे तभी मिलेगा भाई पैसा तभी मिलेगा ट्वेंटी किलोमीटन पर मीटर स्क्वायर और का एगा कैसे दोस्तों यहां पर जब बोल दिया है तो दोस्तों जीरो ले, ले लेते हैं प्योरली के लिए क्योंकि सॉफ्ट क्ले है इसने जैसे ही कह दिया सॉफ्ट क्ले तो हमारा प्योरली है उस दौरान आपका फाइव हो जाएगा जीरो होगा और गामा जो डेंसिटी आपके यूनिट वेट ऑफ द दॉइल दिया था ट्वेंटी किलोमीटन

के ए इज इक्वल टू आपको वन मिल जाता है लेकिन आपको ये एच सी का वैल्यू पता होना चाहिए था सी अपॉन गामा अंडर गुड ऑफ के ए ये एमुला बहुत ही चमत्कारी है और दोस्तों यहीं से आपने देखो एच सी का मान आप जानते थे गुणा आप सी करोगे अपॉन में रख दोगे ट्वेंटी और अंडर अंडरवुड ऑफ द वन के ए का मतलब है एस सी इक्वल टू फाइनली आपका ट्वेंटी हो जाएगा चार से चार कैंसिल हो जाएगा तो सी का मान दोस्तों बिना कोई कैलकुलेटर उठाए बिना किसी कैलकुलेटर को उठाए हम सब लोगों ने क्या कर दिया है क्या कर दिया है? क्या कर कर दिया दिया है है जवाब दे दिया है मतलब कि 20 आंसर आ चुका है ठीक है कितना आसान था फॉर द 45 फाइव डिग्री क्रैंक्ड और बैंड बार द इनकलाइन द क्रैंक इज इक्वल टू दोस्तों 45 डिग्री पर क्रैंक्ट क्या है

42 ये हो जाएगा दोस्तों 1.42 टाइम्स ऑफ द डी सभी लोग शेयर जरूर करेंगे दोस्तों अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा क्लास को जरूर शेयर करें दोस्तों यहां पर हमने देखा था कि यह है मेन बार और मेन बार को ही दोस्तों इंक्लाइन किया गया है 45 डिग्री पर और 45 डिग्री को क्रैंक लेंथ जो लिया जाता है ये जो लेंथ ली ले जाएगी ना एक साइड में ये जो इतनी लंबाई होगी ये मैंने कहा है जीरो पॉइंट फोर टू ऑफ डी लिया जाएगा जीरो पॉइंट हम तो इनक दोनों दिशा में करते हैं तो डी जब आप करोगे मल्टीप्लाई टू से दोस्तों ये बन जाएगा कितना लेकिन ध्यान रखिएगा ये चार पांच बात चार बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों की चारों बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है देखो सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए तीस डिग्री के लिए अगर तीस डिग्री के लिए बोला जाए तो तीस डिग्री के लिए होता है जीरो पॉइंट टू सेवन जीरो पॉइंट टू सेवन डी तीस डिग्री के लिए कितना होता है जीरो पॉइंट टू सेवन ऑफ डी तीस डिग्री के लिए और अगर कभी बोला जाए आपका भाई फोर्टी फाइव डिग्री के लिए तो जीरो पॉइंट फोर टू ये आपका बार बेनिंग सेड्यूल से सीखते हैं आप सिक्सटी डिग्री के लिए जीरो पॉइंट फाइव सेवन ऑफ डी और अगर अभी नब्बे डिग्री के लिए बोला जाए तो जीरो पॉइंट एट नाइन ऑफ डी इसको याद जरूर करेंगे और जब दोनों को जोड़ दोगे दोस्तों तो यही तो आ रहा है टाइम्स ऑफ दी दोनों को जोड़ दोगे ना 0.4 टू डी तो उस वजह से आपका 1.42 डी लेकिन इंपॉर्टेंट ये तो चलो रटा भी होगा आपने लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जांपल में आपका एग्जाम में 45 ही आए क्या पता 30 डिग्री वाला आ जाए तो 30 डिग्री का 0.27 होता है ध्यान रखना और भी चारों केसेस याद रखिएगा ओके द ड्रॉबैक ऑफ द इलेक्ट्रिक सिजनिंग बताइए ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक सिजनिंग इलेक्ट्रिक सिजनिंग का ड्रॉबैक क्या है क्या केवल फायदे हैं इसके क्या ड्रॉबैक हैं इलेक्ट्रिक सिजनिंग के बताइए इलेक्ट्रिक सीजनिंग के ड्रॉबैक बताइए इलेक्ट्रिक सीजनिंग के ड्रॉबैक बताइए दोस्तों क्या ड्रॉबैक है इलेक्ट्रिक सीजनिंग के ड्रॉबैक बताइए इलेक्ट्रिक सीजनिंग के कुछ ड्रॉबैक अगर आपको लगते हैं तो बताइए नहीं बताओगे अरे ये आर्टिफिशियल सीजनिंग है आप सब लोग जानते हैं कि एक तरह का आर्टिफिशियल सीजनिंग है क्या क्या डिफेक्ट है इसका मतलब कि ड्रॉबैक क्या है क्यों नहीं कर सकते हैं इसको दोस्तों स्प्लिटिंग इस देखने को मिलती है यहां पर फटना शुरू हो जाता है आपका टिम्बर ये देखने को मिलता है ध्यान रखिएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिएगा स्प्लिटिंग देख रहे हैं आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यह वाला छोर क्या हो रहा है आपका फट रहा है तो जब आप सीजनिंग करते हो इलेक्ट्रिकल वाली भले समय कम लगता है इलेक्ट्रिकल वाले में भी तुरंत भी हो जाता है लेकिन होता है करंट प्रोड्यूस करते हैं तो आपका टेम्परेचर हो जाता है मेंटेन उससे सीजनिंग वो मॉइस्चर भाग जाता है इवेपोरेट हो जाता है देखिएगा इसको कहते हैं स्प्लिटिंग भाई ये आप देख पा रहे हैं लकड़ी को बहुत अच्छे से फटा हुआ देख पा रहे हैं ये स्प्लिटिंग कहा जाता है जैसे कि आप यहां पर देखेंगे स्प्लिटिंग एक होता है शेक्स है ना इसमें बो बो का मतलब है कि आपका लेंथ वाली डायरेक्शन में कर्वेचर ट्विस्टिंग ये देख पा रहे हैं आप नोट्स होते हैं आपके देखे छोटे छोटे बीच बीच में नोट्स नोट आपके जो ग्रेन्स है आपके घूमे हुए कब क्या होता है के डायरेक्शन में कर्वेचर चेक चेक्स भी स्प्लिटिंग होती है लेकिन चेक का मतलब होता है टोटली आपका पूरे सरफेस में छोटे छोटे मतलब और क्रोक एक हो गया क्रूक भी आपका जो है किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे बीच में नहीं किसी पर्टिकुलर पोर्शन में जो है कर्वेचर होगा बीच में नहीं जैसे यहां पर बीच में था यहां पर भी सेंटर में ज्यादा कर्वेचर है तो यह है कुछ कारण कन्वर्जन के डिफेक्ट शेड्यूल ऑफ द बार डज नॉट कंटेंट द शेड्यूल ऑफ द बार डज नॉट contain क्लास का समय रोज तीन बजे होता है तो इसलिए जो है तीन बजे के समय में जरूर रहें भाई क्लास का समय होता है तीन बजे तो इसलिए तीन बजे का समय को निर्धारित जो समय रखा गया है उसमें जरूर ज्वाइन रहें शेड्यूल ऑफ द बार जल्दी से जवाब करो भाई अरे जल्दी करो जल्दी बताओ जी बताओ जी सभी लोगों का जवाब सही है वेरी गुड बहुत बढ़िया जी लेबर रिक्वायर्ड फॉर द बार एग्जैक्टली लेबर रिक्वायर्ड फॉर द बार दिस इज़ द नॉट ऑफ़ बार ठीक है ना दिस इज नॉट कंटेन इन द शेड्यूल ऑफ बार डी ऑप्शन है सभी लोगों का शट इक्वेशन रिप्रेजेंट बताइए ये क्वेश्चन आपका वहां से है थ्योरी ऑफ फेलियर से पिछले दो क्लास में मैंने आपको इसको बताया था कि क्या देता है, किसके बारे में देता है कंटिन्यूटी इक्वेशन देता है क्या ये या yeah. इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन देता है कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन क्या देता है बताओ कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन बाई द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ कैनाल हेड वर्क इज द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ द हेड वर्क बताइएगा द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ द हेड वर्क इज रॉक स्टेज ऑफ द रिवर बोर्डर स्टेज ऑफ द रिवर ट्रफ स्टेज ऑफ द रिवर या डेल्टा स्टोरेज ऑफ रिवर बताइए क्या होगा जवाब ट्रफ स्टेज ऑफ द रिवर ध्यान रखिएगा और बहुत ही आसान है है ये आपका मतलब का है, भी और सिंपल भी है। चलो जवाब करो आर एल ऑफ द पॉइंट ए ऑन द फ्लोर इज हंड्रेड मीटर द बैक साइड रीडिंग ऑन द ए दिस इज टू पॉइंट फोर फाइव फाइव मीटर

लेकिन यहीं से इसमें इंस्ट्रूमेंट रखा गया तो इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद दोस्तों ये जो आपका बैक साइड पहले मिला ये मिला 2.455 लेकिन दोस्तों वह क्या है कि ऊपर तुम्हारा जो सीलिंग लेवल है ये तुम्हारा फ्लोर लेवल है सीलिंग लेवल से नीचे इन्वर्टेड स्टाफ रखा गया होगा जिसकी हाइट मिली होगी 2.745 और ये पॉइंट वो आपका बी तो यहां तक की हाइट बतानी है तो यहां तक हाइट के तीनों को जोड़ दो ना

ड्यूरिंग द पेंटिंग मैंने कई बार दोस्तों यहाँ पर बेस के बारे में आपको जानकारी आज दूंगा कि बेस है क्या चीज एक्चुअली में क्योंकि बेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए ध्यान से सुनिएगा बेस के रिगार्डिंग में आपको जानकारी भी दूंगा आज

पगला जाएंगे नहीं तो तो दोस्तों इसी तरीके से बॉडी जो प्रदान करता है एक बॉडी वो बेस करता है पिगमेंट भी आपका काम कर देता है एज अ बेस वो बॉडी की तरह काम कर लेता है कॉमनली यूज बेसिस दोस्तों बॉडी जिसको कह रहे हैं ब्रैकेट में व्हाइट लेड एक इंपॉर्टेंट है दूसरा है आपका जिंक ऑक्साइड दूसरा है अंकल जी <laughs> अंकल जी भाग चलिए व्हाइट लाइट जिंक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड मेटलिक पाउडर सचेस एल्यूमिनियम कॉपर ये सारी चीजें भी यूज होती है एज अ बेस ठीक है क्लियर है बेबी को बेस पा तुम बेटा पिटोगे मैंने बता दिया <laughs> कुछ कुछ बोलते रहते हो अरे होच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ द रेन वाटर पाइप इन द टेस्टिंग ऑफ हाउस बताओ क्या होगा जवाब करते रहे दोस्तों बात को ध्यान रखना है ये होगा आपका वाटर टेस्ट स्मोक टेस्ट टेम्परेचर टेस्ट या एयर टेस्ट जब आप करेंगे ध्यान से और आपको पिलाते हैं फिर चाय आज थोड़ा सा तबियत नर्म है स्मोक स्मोक टेस्ट है स्मोक टेस्ट होता है ये हाँ यार गजब भाई गजब दोस्तों स्मोक टेस्ट उसको बोलता है परफॉर्म टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ द रेन वाटर कैसे कैसे होता है स्मोक टेस्ट कोई बस समझा सकता है स्मोक टेस्ट को समझा सकते हो ऐसे फीलिंग हो रही होगी स्मोक टेस्ट को सुनते हुए धुआं छोड़ देंगे अगर वहां से पार कर देता है वेरी गुड क्लियर है, है? <laughs> ये देखो मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है यहां पे दोस्तों देखेगा ध्यान से यहां पर डिटेक्ट किया जा रहा है दोस्तों ये डिटेक्ट किया जा रहा है यहां पर होल किया जा रहा है स्मोक को छोड़ा जा रहा है और जहां पर रुका होगा ना जहां पर रुका होगा ना रुका सुनो जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं स्मोक को छोड़ा जा रहा है धुआं को छोड़ दिया जा रहा है और जहां पर ब्लॉकेज होगा ना जैसे कि यहां पर ब्लॉकेज है, मान लेते हैं, तो वहीं से आपके सरफेस पर आपको कुछ धुआं देखने को मिलेगा और वहीं से पता लगेगा किसका का। का चोकिंग है और ये मुझे लग तो नहीं रहा ये कोई इंडियन पर्सन है इनकी इनकी जो बर्दी को देखकर टोपी को देखकर या गाड़ी को देखकर लग रहा है भारतीय होंगे भारत में ऐसा होता होगा क्या मेरी चाय जो आई है बेकार है <laughs> अरे नहीं मैं कुछ मंगा रहा था अंकल से ठीक है अंग्रेज़ अंग्रेज़ जम्प इज नियरली बोलिएगा वन पॉइंट जीरो मीटर और आप कहेंगे कि सर जीरो पॉइंट नाइन फाइव मीटर या जीरो पॉइंट सेवन नाइन मीटर या जीरो पॉइंट फोर फाइव मीटर तो आप तुरंत जवाब करेंगे क्योंकि दोस्तों मैंने कई दफा आपको इसको फॉर्मूला बता रखा है हाँ ठीक है फीलिंग समझ रहे हम अजय की अजय विश्वकर्मा जी की तो बेटा यहाँ पर जो है गड़बड़ कर रहे हैं आप आंसर गलत कर रहे हो इसका आंसर आएगा दोस्तों और एक्चुअली एक्चुअली में में इसका जो तरीका है वो है हेड लॉस इन या लॉस इन एनर्जी एक्चुअली टू वाई वन वाई टू और दोस्तों वाई वन भी दिया है आपको जीरो पॉइंट थ्री और वाई टू भी दिया है आपको क्या बात है डेली इक्वल टू तुरंत निकल जाएगा गजब हो गया हाँ

ओपन इंपेलर इसको बोलेंगे आप ओपन इंपेलर डी गजब हो गया तुक्का हाँ लेवल का तुक्का, open impeller दोस्तों open impeller. दोस्तों पिंपेलर क्या होता है एक तरह के बकेट बोल सकते हैं जिसमें कि पानी ये सेंट्रपिकल पंप की बात हो रही है दोस्तों यहां तुम्हारा नीचे क्या होगा यहां नीचे तुम्हारा एक पाइप होगा जिसको आप बोलेंगे डिलीवरी मतलब कि एक आउटर बॉडी होगी और बाहर ऊपर तुम्हारा एक डिलीवरी पंप होगा ठीक है ना उसकी डिलीवरी हाइट होगी यहाँ ऊपर और यहाँ हाइट होगी आपके सक्शन से लेकर यहाँ तक सक्शन हाइट अब देखो क्या होता है इसके अंदर पानी आएगा पानी आएगा ठीक है ना तो ये जो आपका हाइड्रोलिक एनर्जी होगा उसको कन्वर्ट करेगा वो मैकेनिकल एनर्जी में फिर जाके ठीक है तो ये आपके अलग अलग है जैसे कि एक चैनल इंपेलर है तो इसमें आपके अलग ट्रूथ है पानी को ऐसे काटेगा एक स्क्रू स्क्रू इंपेलर होता होता है एक होता है एक एक तरह का टाइप रेडियल इंपेलर होता है दोस्तों रेडियल खाचे इसमें होते हैं और एक डायगोनल इंपेलर होता है इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो इंपेलर तो अलग अलग तरीके के हैं अगर आपसे बोला जाए तो ये ओपन इंपेलर होते हैं सारे के सारे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम मिनिमम फॉर द क्लास ए टाइप ऑफ प्लास्टिक इमल्सन पेंट क्लास ए टाइप प्लास्टिक इमल्सन पेंट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड तो आप तुरंत जवाब कर दोगे सर ये बात हो रही किसकी और जवाब करो फिर मैं आपको कुछ डेटा भी लिखाऊंगा कुछ डेटा भी बताऊंगा <laughs> इम्पेलर इम्पेलर भाई नालायक इम्पेलर लिम्पेलर. पिंपेलर कह रहा है पैंतालीस फोर्टी फाइव होता है देखो एज पर दी वन फाइव फोर एट नाइन दोस्तों पंद्रह हजार चार सौ नब्बे एटी नाइन मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम फॉर द क्लास ए एंड क्लास बी टाइप प्लास्टिक पेंट अरे सुखाने का समय ड्राइंग टाइम जो लिया जाता है अलग क्लास के पेंट होते हैं तो पैंतालीस मिनट में सूख जाएगा मतलब कि ये तुम्हारा मैक्सिमम से पहले सूख जाएगा प्लास्टिक पेंट दोस्तों क्लास सी और क्लास डी के अंतर्गत में हम आते हैं नब्बे मिनट और मैक्सिमम हार्ड ड्राइंग टाइम ये तो हो गया ड्राइंग ड्राइंग और time, ख्लास और हार्ड टाइम क्लास क्लास बी में आता है 240 मिनट मैक्सिमम हार्ड ड्राइंग टाइम दोस्तों क्लास सी और क्लास डी में आता है दोस्तों 480 सो अस्सी मिनट तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा अभी आपसे पूछा गया था पहला ऑप्शन लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए ये पूछा जाए और ये पूछा जाए

दोस्तों कितना होगा जवाब करेंगे आप वेरी गुड बहुत ही बढ़िया जी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो मैं आपको बताता ही हूँ इससे रिगार्डिंग भी बताऊंगा मतलब कि कहीं से भी आपको दूसरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2.6 किलोग्राम तो पड़ेगा इसका हैमर का वेट और इसको ड्रॉप जो किया जाता है 310 सौ mm दस से किया जाएगा और 310 सौ mm दस का मतलब है क्या कितना सेंटीमीटर और कितना मीटर मीटर में कर सकते हैं इसको जीरो मीटर क्योंकि एक मीटर में हजार एम एम और एक सेंटीमीटर में दस एम एम चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका ये तुम्हारा बकेट है यहाँ पर ये है मिट्टी मिट्टी में जो है हमारे पास जो ये ड्रॉप किया जाएगा ये है वो हैमर और इसमें वेट किया जाएगा मतलब कि उसमें वो किया जाएगा नंबर ऑफ लेयर की वजह से देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं एक होता है आई एस लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट

टेंडेंसी या उसके सेटलमेंट होने की जो भविष्य में होगी उसके भी चांसेस और उसके बारे में पता लगता, उसके के बारे में भी पता लगता है तो दोस्तों फोर पॉइंट नाइन किलोग्राम पहला डिफरेंस दूसरा डिफरेंस है दोस्तों की नंबर ऑफ इसमें तीन भरी जाती है मतलब की पहली ले जाएगी मिट्टी की फिर कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट करने के लिए आप इससे पच्चीस नंबर ऑफ ब्लो देंगे आप बनाएंगे पांच और इसमें नंबर ऑफ केवल तीन होंगी लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट में दोस्तों तीन सौ दस एम mm की हाइट से फ्री फॉल कराया जाएगा लेकिन यहां पर 450 से छोड़ा जाएगा लेकिन दूसरी एक और इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी आई और वो है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ मोड वॉल्यूम ऑफ मोड दोनों केस में हजार हजार सीसी का ही रहता है और यह है आपका मॉड दोस्तों ये तुम्हारा मॉड है इसका जो वॉल्यूम है इंटरनल वॉल्यूम हजार सीसी ही होगा चलेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों दो बातें आपसे पढ़ाई जाएंगी एक होता है क्लोज कॉइल हेलीक्रम्प स्प्रिंग द इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्क अबाउट इट्स एक्सिस द स्प्रिंग वायर उज कोई स्प्रिंग है दोस्तों लेकिन सवाल यह है कि स्प्रिंग दो तरीके की होती है क्या एक्चुअली में देखा जाए अगर बड़े तौर पर अगर आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो स्प्रिंग को दो प्रकार से बांटते हैं क्लोज्ड है कॉइल स्प्रिंग बताते हैं आपको ध्यान से देखिएगा दोस्तों अगर हम बात करते हैं लीफ स्प्रिंग की तो लीफ स्प्रिंग जो होगी हमारे पास किस तरह से होगी हमने कहा है कि स्प्रिंग को भी दो प्रकार में डाला जाता है मोटे तौर पर एक होता है लीफ स्प्रिंग और दोस्तों दूसरा होता है क्या हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है हेलिकल स्प्रिंग लेकिन ध्यान रखेगा कि हेलिकल स्प्रिंग भी दो प्रकार से होती है एक होती है आपकी क्लोज कॉइल क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग और एक होती है मित्रों कौन सी एक होती है दूसरी ओपन कॉइल ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग

आपने देखा भी होगा कि काफी जो हमारी एक्चुअली में एस आ रही है अभी भारतीय मार्केट में भी सभी गाड़ियां जो आ रही है मोस्टली एस बन रही है एस सुना है ना आपने एस यू बी एक्स हंड्रेड एक्स यू भी थ्री हंड्रेड सुना है आपने तो एस यू वी जो आ रही है उनमें भी यही करा जाता है कि भाई जो आपके सेंसर होंगे मतलब कि जो आपके कंफर्टेबिलिटी है गड्ढों में छोटे मोटे पिचेस में या छोटे मोटे गड्ढों में तो उनमें एक कंफर्ट प्रोवाइड रहे आपको फील भी ना हो कि छोटा मोटा गड्ढा तो ऐसे ही निकल जाए पता भी नहीं रहेगा तो आपके जो शॉकर है वो बहुत बढ़िया से काम करेंगे तो ये आपका लीप स्प्रिंग है और ये तुम्हारा हेलिकल स्प्रिंग की कहानी कही है लेकिन हम अपने सिलेबस में अगर हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोस्तों हम केवल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं ठीक है कर लेते हैं यहाँ पर बात बोला गया था कि क्लोज क्वल हेलिकल स्प्रिंग की बात किया जाए दोस्तों तो क्लोज क्वल हेलिकल स्प्रिंग किसमें होगी हमारी एक्सपीरियंस करेगी बेंडिंग स्ट्रेस को क्योंकि दोस्तों क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का मतलब है उसके हेलिकल जो है इसके जो स्प्रिंग है वो काफी खुले हुए रहते हैं और खुले हुए रहने के कारण जब इसमें लोड लगाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर कहीं बेंडिंग आ जाती है इनमें बैंड हो जाते हैं तो इसलिए ध्यान रखिएगा बेंडिंग स्ट्रेसेस पर आते आपका काम करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों क्लोज में और ओपन में आप देख पा रहे होंगे जैसे कि अगर आप देखा जाए यहाँ पर इस फिगर में अगर आप देखें तो ध्यान से फिगर को पढ़ें कि दोस्तों यहाँ पर जो स्प्रिंग है आपका ये स्प्रिंग बहुत ही क्लोजली और क्लोजली हेलिक्स है इसमें माना जाता है कि अल्फा हेलिक्स एंगल दिस लेस देन एंगल दिसन डिग्री और हेलिक्स एंगल क्या है कि जब आप पिच बना रहे होंगे दोस्तों तो ये जो पिच है ये पिच है तो ये कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों ये आपका ये वाला एंगल है ये तुम्हारा पिच है ये वाली डिस्टेंस

बेंडिंग जनरेट होगी या बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगे ये सारी बातें आपको याद रखनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से जवाब करना है जल्दीबाजी में जवाब ना करें ब्लग कार्ड चलिए उस टर्म्स उस टर्म्स को मैं मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ जैसे तुमको किसी को याद हो जरा याद दिलाओ मुझे जैसे हम कहते हैं ना कि यार मेरी गाड़ी में बहुत कम्फर्ट है जैसे मेरी गाड़ी है माना ये तुम्हारी गाड़ी है कि कोई भी छोटे मोटे गड्ढे हैं तो उस गड्ढे में मेरी गाड़ी में मतलब बहुत कंफर्ट में फील करता हूँ तो उसको एक टर्म्स कहते हैं कि मेरी गाड़ी में खूब बढ़िया हो क्या कहते हैं उसको बता सकते हैं शॉकर तो चलो जनरल लैंग्वेज में हो गया लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं उसको किसी को याद आया तो बताए भाई सिटिंग, सेंसिटिविटी या एफिशिएंसी? आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दिस इज नोन एट फ्लेक्सीबिलिटी एग्जैक्टली ओके ध्यान रखिएगा जर्नली विच द फॉलोइंग वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो नोन एज द रेटिकुलेशन सिस्टम रेटिकुलेशन सिस्टम क्या होता है जी गजब हो गया जी रेटिकुलेटिंग सिस्टम। बता सकता है कोई नहीं बता पाएगा तो बताएगा डेड एंड सिस्टम ग्रिड आयरन सिस्टम या रेडियल सिस्टम या रिंग सिस्टम क्या बोला जाता है इसको दोस्तों इसको क्या बोला जाएगा ग्रिड ग्रिड आयरन सिस्टम बोला जाता है इसको इसको बोला जाता है रेडिकुलेशन ग्रिड आयरन सिस्टम कुछ इस तरह से होता है ग्रिड आयरन सिस्टम ग्रिड आयरन सिस्टम क्या है बिल्कुल भूले ना आप देखो भाई आपका मेन तो

ब्रांच पाइप के बाद आप जाएंगे दोस्तों नहीं ब्रांच पाइप नहीं पहले सब मेन होंगे सॉरी मेन पाइप होगा पहले सबसे पहले बड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सबसे बड़ा पाइप एम होगा फिर एस होगा फिर होगा बी फिर होगा बी और उसके बाद आपके कट ऑफ वॉल्स होंगे तो अब देखिएगा ध्यान से सबसे पहले आपका मेन पाइप आ गया फिर आपके सब आ, सब मेन्स होंगे उससे छोटे उसके बाद छोटे छोटे ब्रांच आपके किसी के घर में जा रहा होगा छोटा गलिया होंगी

फ्लोइंग इस, इस mm. तो हो होता है जी? बात ये, ये समझ ही नहीं आ रहा है मैं बताऊंगा आपको टेंशन का ही लेते हो और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब सही करोगे अगर दिमाग को सही दौड़ाए तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द स्पाइरल टाई इन एम एम इज मैक्स इज एम मतलब कि वो पता ना तो आपको है लेकिन कितना एम 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 में होता है वो एक्चुअली में शायद आपको याद हो या ना हो याद आ रहा है कुछ अरे कुछ याद आ रहा है दोस्त दोस्तों कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है सर मैक्सिमम स्पेसिंग अब देखिएगा दोस्तों यहां पर आपका थोड़ा सा डाउट हो सकता है दिक्कत भी कर सकता है सेवेंटी फाइव 75 सेवेंटी फाइव हाँ ये सही है सेवेंटी फाइव है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्पायरल टाई इज मैम देखिएगा यहाँ पर ये तुम्हारा अगर मैं कॉलम की बात करूँ कंप्रेशन मेंबर की ना दोस्तों तो कंप्रेशन मेंबर में जो ये बार होती है ना ये वाली ये तो हो गई मेन बार जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मेन बार होती है ये मेन बार और इनको जो बांधने का काम करते हैं ना ये ये होती है आपकी टाइस बार ये टाइस बार होती है दोस्तों ये होती है टाइज बार तो यहां पर आपसे एक क्लॉज और है एक क्लॉज और है क्योंकि दोस्तों आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं जो लोग तीन कर रहे हैं ना तो आप इस चीज को भूल चुके हैं कि स्पारल टाई है आप इस चीज को भूल चुके हैं क्यों भूले क्योंकि आपके दिमाग में पता कौन सा कॉलम है आपके दिमाग में टाइट कॉलम है ये वाला कॉलम है ये वाला कॉलम है आपके दिमाग में दोस्तों आपको मैं कई दफा बता चुका हूँ कि इस कॉलम में दोस्तों ये वाली जो बार होती है ना ये जो सफेद वाली बार होती है ये ये जो बार है आपकी ये इनको बोला था टाई बार ये जो सफेद बार है इनको बोला था टाई बार और ये वाला जो बार होता है ये येलो वाला जो लॉन्ग टूनल डायरेक्शन लोड के डायरेक्शन में होगी अलोंग तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टूनल बार तो आपके दिमाग में ये है लॉन्ग टूनल बार लेकिन आपके दिमाग में तो हेलिकल बार है ही नहीं बार 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 या हेलिकल भी इसको कहा जाता है 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 अब तो 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 याद याद आ रहा होगा कुछ तो इसकी जो टाई बार होती है, तो इस टाई बार की तो इस स्पेसिंग आपको याद रहती है ना जी आप करते थे मेन बार मैक्सिमम ये इसका होता था डायमीटर का ये होता था आपका मैक्सिमम डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता था मैक्सिम डाया बार

आपसे बोला जा रहा है हेलिकल स्प्रिंग हेलिकल का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो यहां पर आपकी बार जो होगी ऐसी होगी नेचर की हेलिकल जिसमें ट्राइकल स्टेट में रहता है बार कोर कॉन्क्रीट ट्रैक्ल स्टेट में रहता है कोर कॉन्क्रीट तो यही तो है तो ये देखेगा देखो ना यहाँ पर आपको कहीं भी सेपरेशन दिख रहा है क्या सेपरेशन ये पूरा का पूरा हेलिकल दिख रहा है आपको ये देखो यहाँ पर कहीं पर भी बार जो है सेपरेट नहीं कही गई यही वजह है कि इस बार में जैसे कि यहाँ पर कोई भी ज्वाइंट खुल गया तो टूटने का चांसेस रहते हैं यही वजह है कि जो हमारा हेलिकल बार होती है ना ये वाली जो कॉलम होती है में। और लोड कैरिंग पांच परसेंट ज्यादा आती है किसके कंपेयर में जो टाइट कॉलम था इस बात को ध्यान रखिएगा और दोस्तों चार सौ छप्पन का एक क्लॉज कहता है कि कंप्रेशन तो आपको पिच देखना है और जो कोर डायमीटर होगा

एंड मेक इट पॉसिबल टू स्प्रेड द पेंट इवनली एंड यूनिफॉर्म ऑन द सर फेस स्कॉल दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप पढ़ेंगे जरा पेंट की जानकारी अगर आपको होगी तो जवाब कर पाओगे क्या बोल रहे हैं वेलडड कनेक्शन में दिक्कत है क्या एसेंट्रिक कनेक्शन में किस-किस को दिक्कत है मैं करवा दूंगा एक क्वेश्चन बताओ मेंस के लिए जो जा रहे हैं बाइंडर है ये अ फाइन ग्रेन सॉइल है अ 60% बाय वेट सिल्ट कंटेंट द सॉइल बिहेव एज सेमी सॉलिड व्हेन वाटर कंटेंट इज द बिटवीन 15% टू 28% जो वाटर कंटेंट है आपका 15% और 28% के बीच में है The the soil soil. fluid like when the water content is more than 40%, activity of मतलब जबरदस्ती है।, है सबसे पहली बात तो यह है कि आपको activity number का formula पता होना चाहिए और सबसे पहली बात तो एक्टिविटी नंबर में फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके बाद आपको इनएक्टिव एक्टिव और नॉर्मल सॉइल का पता होना चाहिए तो बताइएगा अगर किसी को पता हो इसका जवाब तो कर सकते हैं कर पाओगे मैं तो कराऊंगा ही आपको ठीक है फिलहाल आप करवाओ पहले चलिए देखो

नॉर्मल कहलाती है और अगर आपका से ज्यादा है है तो है तो एक्टिव कहलाती ध्यान रखिएगा आपका जो आंसर आ रहा है भाई आ रहा था तो तो ये जो थी आपकी इसके न इसमें आती है लेकिन तो पर तो आपका मतलब सी ऑप्शन ही पूछा मिनिमम असेंटिसिटी टू बी कंसिडर्ड फॉर एन लोडेड आरसीसी कॉलम ऑफ साइज

और थर्टी रख दिया और ध्यान रखियेगा एल का वैल्यू था पाँच हजार बेटा तो पाँच हजार बेटे अगर आप पाँच सौ करोगे प्लस आपका फोर हंड्रेड एल एल डी थास करोगे तो ये निकल जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री लेकिन यहीं पर आपका जो कंपेरिजन होता है और करके आप लिखेंगे बीस एम एम से भी लिखेंगे इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना बीस एम एम और इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना मैक्सिमम वही कहलाएगा ई मिनिमम लेकिन बड़ा तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री है इसलिए बीस भी आपका आंसर में होगा कहीं पर तो नहीं है लेकिन हो सकता है बीस बीस जल्दीबाजी में गलत मत करना ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर एलिवेटेड वाटर टैंक इज एलिवेटेड वाटर टैंक इज बताइए एलिवेटेड वाटर टैंक इज कंटेन वाटर एट द सर्टेन हाइट मेड ऑफ द प्लास्टिक चार तीनों में पढ़ो भाई जरा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है वाटर टैंक तो सब लोग जानते ना वाटर टैंक तो सुना ही होगा आपने पानी का टंकी कब करवाओगे सर वैलिडेट का जब आप कहो जवाब कहो बताओ जी सिंपल सा है कि शहर ये क्या करता है कंटेन्स द वाटर एट द सर्टेन हाइट और किसी एक अच्छी हाइट पर आपका जो है क्या होगा वाटर को रखा जाएगा जैसे कि एग्जांपल से बता देता हूं इस फिगर में देखिएगा वाटर के टैंक जो जनरली होते हैं ऐसे तो होते हैं ये देखिएगा एक वाटर टैंक ये हो गया और एक वाटर टैंक ये हो गया तो ये क्या है कि सर्टेन हाइट पर रखे हुए हैं आप साफ-साफ देख रहे हैं बताओ किसके घर के आसपास ऐसी टंकी दमादम अड्डा छड़ दी ठीक है आगे बढ़े चलो रेंज ऑफ फ्लो रेशियो वैल्यू फॉर अ फ्रांसिस टर्ज द रेंज ऑफ फ्लो रेशियो वॉल वैल्यू फॉर द फ्रांसिस याद होगी हो तो काम हो ही जाएगा जीरो पॉइंट वन फाइव से जीरो पॉइंट टू फाइव होता है जी ठीक है हाँ सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो टर्बाइन आपकी जो फ्रांसिस है रिएक्शन टर्बाइन का पार्ट होता है और दोस्तों टर्बाइन किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर एक कंड्यूट होगा एक पाइप यहाँ से आपका केसन शुरू हो रहा है और ये पानी आपका यहाँ से हाइड्रोलिक एनर्जी में आ रहा था उसके बाद कन्वर्ट होके आपका जाएगा फिर कहा किस में जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में फिर आगे अगर आपका जनरेटर लगा हुआ है तो फिर क्या करेगा जनरेटर फिर ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेटर से जुड़ा होगा और आपका फिर ट्रांसफार्मर से जुड़ा होगा तो फिर जाके आपका क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होगी ठीक है इस तरह से चलता है कहानी दोस्तों यहाँ पर टर्बाइन की बात किया जाए सबसे पहले पेल्टन की बात करें तो आपका स्पीड रेशियो जीरो और नंबर ऑफ वेन्स का लिए फॉर्मूला क्या है 15 प्लस M टू। M बक, उसमें हो होंगे बकेट

और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जवाब करो जी किसी का आया क्या नहीं कर पा रहे भाई इतना आसान क्वेश्चन देखो इस स्टेशन को आप ए कह दो ये दोस्तों स्टेशन है अठारह डिग्री 18 18 आप आए मतलब कि ये एंगल जो हो गया सबसे पहले अठारह डिग्री का होगा बियरिंग तो आप ऐसे लोगे ना अठारह डिग्री पैंतालीस मिनट ठीक है ये बिल गया आपको बी ठीक है लेकिन ए से लेकर फिर से गए ए ही से आप सी आ गए तो ए से जब आप सी जाओगे दोस्तों तो ये यहां कहीं पड़ेगा इस में क्योंकि दोस्तों ये एंगल जो आप आओगे ऐसे आओगे तभी मिलेगा आपको ये तो ये मिल गया आपको कितने का 335 डिग्री क्योंकि भाई 270 के ऊपर है 360 के नीचे है तो 335 डिग्री और 40 मिनट है 45 मिनट है और ये आपका बन गया बी सॉरी ये बन गया आपका सी और ये क्या था आपका ए आपका बन गया अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी ए बी चाहिए अब देखो यहां से अगर आप बाहर से भी देखें तब भी बाहर से भी देखें तो तब भी आप देखे जा, तो वो एंगल आपका होना कि जब आप सीए बी कह रहे हैं ना सी ए तो इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल आप निकाल सकते हैं और ऑप्शन में वैसे भी अगर आप करके देखें तभी भी नहीं बनेगा तो ये एंगल आपका चार है सीए बी इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये वाला एंगल पता होना क्योंकि और साठ मिनट जो की तीन सौ साठ डिग्री है साठ मिनट इसमें से घटा दो तीन सौ पैंतीस डिग्री और पैंतालीस मिनट दस में से पांच गया पांच यहाँ हो गया तुम्हारा पांच में चार गया एक पंद्रह मिनट ये हो गया चार और ये हो गया 24 तो 24 डिग्री और 15 मिनट दोस्तों ये वाला एंगल हो गया ये वाला एंगल क्या मिल गया हमको कि मिल गया 24 डिग्री और 15 मिनट मिल गया और ये वाला कितना है दोस्तों पहले से आप करके आ रहे हैं 18 डिग्री और 45 मिनट है करके देखो यहां पर जोड़ेंगे तो 24 डिग्री और 15 मिनट इसमें जोड़ोगे आप 18 डिग्री और 45 मिनट करके देखो 5 और 5 10 4 और 1 और 1 6 है ना हो रहा है और यहां से देखा जाए तो आठ चार बारह दो एक तीन एक चार तो बयालीस डिग्री हो रहा है सही कर रहा हूं क्या अठारह डिग्री और पैं अरे पंद्रह तभी तो कह रहा हूं पंद्रह ही तो ये हो गया बयालीस डिग्री और पंद्रह पंद्रह तीस मिनट तीस मिनट ठीक है तो हमारा आंसर तो वैसे ही आ गया यहां पर डी लेकिन आपके दिमाग में एक और आ सकता है कि सर ये बाहर वाला क्यों नहीं हुआ तो कि दोस्तों जब आप लिखते हैं इंक्लूड एंगल सी ए बी इसका मतलब आपका इंटीरियर एंगल बोलते हैं ये कह रहा है इंक्लूड एंगल तो है लेकिन आप वैसे भी देखते हो जैसे मैं कोई भी ट्रा एंगल बता देता हूँ तो बेटा जब आप लिखते हो जैसे बी है मान लेते हैं ये ए है और ये सी अगर मैं लिखता हूं ए बी सी एंगल ए बी सी तो ये वाला एंगल ही तो होता है वो वैसे भी लेकिन फिर भी अगर आपका दिमाग नहीं दौड़ रहा है दिमाग इतना ज्यादा दौड़ ही रहा है फिर भी जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा फिगर देख रहे हैं ना आपका ये c हो गया ये a हो गया और ये b हो गया ये बाहर वाला एंगल ये वाला कितना होगा जरा देखो कितना होगा भाई आप क्या करो 335 डिग्री और 45 मिनट में से 18 डिग्री घटा दो घटाओ ना देखो मेरा कहने का मतलब है कि 335 डिग्री और 15 मिनट में से 335 डिग्री और 45 मिनट में से आप घटा दो 18 डिग्री और 45 मिनट घटा के देखो जीरो मिनट हो गया और यहां से हो गया आपका सेवन यहाँ से हो गया आपका तो हो गया आपका दो सौ सत्रह तो ऐसे भी आंसर है नहीं अच्छा है आंसर में आंसर में है भाई आठ हजार पंद्रह दो हजार हाँ ठीक है तो ये हो गया आपका तो दो सौ दो सौ सत्रह भी नहीं आंसर में वैसे देखो तीन सौ सत्रह तीन सौ सत्रह तो कहीं है ही दो सौ सत्रह भी कहा तीन सौ सत्रह तीन सौ सत्रह डिग्री तो कहीं है ही नहीं सही करो ना तीन सौ सत्रह तो वैसे भी नहीं है इसलिए जो है बयालीस डिग्री तीस मिनट आपका डी ऑप्शन जो है सही था अरे सभी को समझ आया नहीं आया हाँ ठीक है मैक्सिमम से देखेगा अगर आप बात करते हैं किसी हेलिकल स्प्रिंगल स्प्रिंग के बारे में आपको बता दिया कि दो तरह के होते थे एक ओपन कॉइल और एक close तो कैसे डिक्रीज करोगे आप क्या चीज डिक्रीज करने पर मतलब कीलिकल स्प्रिंग का इंक्रीजेस कर सकते हो बाई डिक्रीजिंग क्या चीज डिक्रीज करें क्या चीज डिक्रीज करें दोस्तों डायमी ऑफ स्प्रिंग कोर

फर्स्ट कोर्ट को आप क्या कहते हैं दोस्तों तो फर्स्ट कोर्ट का नाम है प्राइमिंग कोर्ट पहले भी आप जानते थे इस बारे में दिस इज द प्राइमिंग कोर्ट एक्चुअली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब करेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दी ये क्वेश्चन आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपको वर्ड रेशो की जानकारी नहीं है कि वर्ड रेशो क्या होता है तो फिर गड़बड़ करोगे जी भाई वर्ड रेशो आपका

और है तो उस दौरान आपका जो है ये जो डिफ्लेक्शन देगा बेंडिंग आर्क देगा देगा आर्क आर्क वो सर्कल आर्क सर्कल ऑफ तो है। लाइन ऑफ वन इज 1.2 मीटर अब रोड सर्फेस एंड सी 10 सेंटीमीटर हाइट ऑन द सर्फेस ऑफ द रोड इज नॉन क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअली में क्या चीज है ये डेफिनेशन किसकी बात हो रही है सर दिस इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और इसी को कहते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस ध्यान रखिएगा दिस इज द एसएसडी एसएसडी का ही दूसरा नाम है दोस्तों क्या नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस और इसी का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस ध्यान रखिएगा तीन इसके इंपॉर्टेंट नाम है एक हो गया आपका एस एस डी दूसरा हो गया आपका नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस और एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस भी इसी को कह रहा है चार सौ छप्पन दोस्तों बात कर रही है अगर आपको थोड़ा सा भी पता है फॉर्मूले के बारे में तो तुरंत आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पर गलत मत करना क्योंकि गलती होने के चांसेज है क्या आपने कभी कॉलम पढ़ा है क्या आपने भी लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला कभी रटा था और अगर कभी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों मेरा लेक्चर देखेगा वीडियो में जाकर हमारे ही चैनल में जाकर वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट के बाद वीडियो आएगा तो वहां पर लगभग चौदह घंटे का लेक्चर है आवर्स का लेक्चर है जिसमें स्लैब जिसमें कि बीम और जिसमें कॉलम की डिजाइनिंग के बारे में बता रखा है जो लोग मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं एक बार मैं तो कहूंगा कि एक दिन का समय निकाल के चौदह घंटे का टोटल क्लास देखेगा उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन मैंने बताए हैं साथ ही साथ बहुत सारे आई कोड की गाइडलाइंस भी बताई हैं तो मुझे लगता है काफी लोगों ने देखा है उसको और आप भी देखोगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कैरियर जीरो प्लस जीरो पॉइंट सिक्स ऑफ एफ आई इंटू ए एस सी आ जाता है जहां पर एफ सी के दिस इज द करेक्ट स्ट्रेंथ दिस इज डिपेंड अपॉन द ग्रेड अपन ए सी एरिया ऑफ कंक्रीट एफ आई स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील का स्टील है और एसी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन ये बात ध्यान रखना है आगे देखिएगा मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन इज द फ्लो टर्बाइन किस तरह का होता है ये? या या दोस्तों जो कहलाती है, mixed flow turbine कहलाती है है यहां पर जो आपका जवाब होगा ये होगा मिक्स्ड मिक्स्ड फ्लो मिक्स्ड फ्लो और ये कुछ ऐसे दिखेगी दोस्तों देखो कितनी बड़ी टर्बाइन है है ना बड़े बड़े टर्बाइन है ना, कभी देखने का मौका मिला आपको टर्बाइन मौला मौका मिले यार तो जाना कभी टरबाइन टेरी डैम जाना कभी टरबाइन टरबाइन दिखा देंगे वो तुम्हें है? इस तरह से होगी वो टर्बाइन जो होगी फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन पेंटेड Blistering इज जाता है इसको क्या फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन द पेंटेड सर्फेस इज जाता है इसको या ब्लिस्टरिंग डर लगता है

है? नहीं, और में फर्क है दोस्तों ध्यान रखना है तो ये हो गया आपका ये देखो लीफ स्प्रिंग देखो मैंने जिसका नाम लिया वो आ गया लीफ स्प्रिंग के बारे में आपसे कभी कभार क्वेश्चन आता है लेकिन पूछा जरूर जा सकता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो आ ही सकता है और आया भी है

Baker, जो के लिए, के लिए। यहां पर दोस्तों ये जो बनते थे आपके कंपैरिजन किया गया था यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ बीम मतलब कि आप यहाँ पर देखेंगे लीफ स्प्रिंग में जैसे कि आपने देखा ये टायर था तो भैया ये जो साफ्ट है इसको कहते हैं साफ्ट ध्यान से देखो इधर थोड़ा सा ये साफ्ट है साफ्ट

बिल्कुल हो जाएगा और आपके गड्ढे जो है फील भी नहीं होंगे आपको बहुत ही कम्फर्ट फील होगा ना? कमानी। हाँ, सही बात है हाँ कमानी शब्द आप इसको कह सकते हैं हाँ, कमानी बोला जाता है इसको ऊंची कमानी की गाड़ियां सुना भी होगा आपने कमानी की गाड़ियां ये कम आती हैं अब तो कई सारे चीजें यूज हो रही हैं ठीक है ना सस्पेंशन एक तरह के सस्पेंशन होते हैं तो हाईली अच्छे सस्पेंशन जिसको कहते हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसमें हम बीम ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के साथ क्योंकि दोस्तों हर एक पॉइंट पर ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ही देगा ये बात ध्यान रखना इसलिए इसको बीम ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर आप कर सकते हैं ठीक है ना हां की की होती हैं सर कमाने की। हाँ, सही कह रहे हो चलेगा तो ये थी बात आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, के होता क्या है ध्यान से सुनना मेरी बात को होता क्या है शॉर्ट कॉलम और एक होता है लॉन्ग कॉलम तो शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है लॉन्ग कॉलम में अगेन ज़्यादा कैपेसिटी होती है लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं कि रिडक्शन कैपेसिट से थोड़ा सा लोड कैपेसिटी हम आकलन में कम लेते हैं तो रिडक्शन जो वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं एक्चुअली में सर्कुलर कॉलम के लिए अलग होगा और रेक्टेंगुलर और स्क्वायरल कॉलम के लिए अलग होगा और क्यों अलग है वो अभी आप देखोगे पहले तो फॉर्मूला बताओ भाई फॉर्मूला बताइए किसको पता है

जब आपका सर्कुलर होता है चलिए तो आपने एल एल डीट डायमेंशन रख दिया और यहाँ पर का वैल्यू पैंतालीस सौ रख दिया डी का वैल्यू मतलब एल एल जो था आपका डी का वैल्यू दो सौ रख दिया तो यहीं से आपको मिल गया जीरो पॉइंट सेवन एट जीरो पॉइंट सेवन एट का मतलब ए ऑप्शन हो गया भाई किसी क्या था चलिए फिर आज की सभा को यहीं पर करेंगे हम समाप्त ठीक है और नेक्स्ट क्लास में होंगे हमारे और बेहतरीन क्वेश्चन कल भी हमारी क्लास होगी कल छब्बीस जनवरी जो कि छब्बीस जनवरी के दिन जो कि कल का दे जो रहेगा वो आपका अगर आप किसी भी कोर्सेज में हमारे किसी भी कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं जैसे कि एस एस हो गया आर आर हो गया या अदर जो भी कोर्सेज हैं उसकी जानकारी मैं आज सात बजे भी दूंगा ठीक है एक सेशन मेरा और है अभी यूट्यूब में छः बजे उसके बाद एक और सेशन है सात बजे अगला जो मेरी क्लास है साढ़े चार बजे अप्लीकेशन पे एप्लीकेशन के बालकों स्ट्रेंथ ऑफ तो मटेरियल पढ़ेंगे हम थ्योरी चलिए जी बात करते हैं यहाँ पर आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं सेम टाइम तीन बजे जिसमें हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे देखो यार अगर आपने मैं सच कह रहा हूं अगर आपने थ्योरी पढ़ दी है सारे सब्जेक्ट की तो अब आपका केवल मात्र एनहेंस करना है अपने नोट्स पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो टेस्ट सीरीज लगाते रहो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो और इसके लिए दो क्लास जो मेरी कर कर रहे हैं आप एक तीन बजे और एक जो मेरी छह बजे चलती है सब्जेक्ट वाइज उसको भी कंटिन्यू करता करा करो रोज किया करो एक दिन से नहीं होगा नॉन टेक का कोई प्रैक्टिकल पर्टिकुलर कोर्स है क्या सर नॉन टेक का नहीं है जी अभी नॉन टेक का कौन सा कोर्स चाहिए मुझे जरा बता देना फिर मैं फिर मैं आपको बता दूंगा सर से पूछकर नॉन टेक का कोई भी कोर्स जिसकी जानकारी आप चाह रहे हैं मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और फिर उसके रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा क्योंकि आपका नॉन टेक किस लेवल का है उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि नॉन टेक तो भाई एस एस का है ssc cgl का भी हो सकता है क्या पता आप उसके लिए पढ़ रहा हूं drdo का पढ़ रहा हूं yar esa msbsb का पढ़ रहा हूं upbpsc ai का पढ़ रहा हूं ukpsc je का पढ़ रहा हूं इतने सारे तमाम सब जगह पर जो है नॉन टेक आता है ठीक है तो चलिए आज के सवाल का जवाब आपने सॉरी आज की सभा यहीं पर करेंगे हम्म <laughs> चलिए सर पीडीएफ डी कहाँ से मिलेगा पीडीएफ जो है मिलेगा जब हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो ज्ञान की प्राप्ति जो होती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होती है सिविल जे एंड ए एस एस सी जे एन आर जे ओके चलो इसके रिगार्डिंग में बता दूंगा आपको ठीक है हुँ. थैंक यू वेरी मच थैंक्स टू ऑल कल शाम को मिलते हैं छः बजे एक घंटे बाद एक डेढ़ घंटे बाद फिर मिलते हैं